दो दिनों के दौरे पर गोरखपुर पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार की सुबह गोरखनाथ मंदिर में जनता दरबार लगाया। आपको बता दें कि इस दौरान अपनी तमाम समस्याओं को लेकर मुख्यमंत्री से गुहार लगाने 600 से अधिक लोग गोरखनाथ मंदिर पहुंचे। फरियादियों की भीड़ देखकर मुख्यमंत्री योगी ने सुबह 6:30 बजे से करीब 9 बजे तक हिंदू सेवाश्रम और यात्री निवासी में एक एक फरियादी से मिलकर उनकी फरियाद सुनी और मौके पर मौजूद अधिकारियों को कार्यवाही के निर्देश दिए। वहीं इस दौरान मुख्यमंत्री से मिलने आए अन्य लोगों से मंदिर के लाल कक्ष में न मिलकर मुख्यमंत्री ने सभी को जनता दरबार में ही बुलाकर मुलाकात भी की। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री के पास पहुंचने वाले अधिकांश शिकायतें जमीनी विवाद से जुड़ी रही। किसी ने सीएम से कहा कि ठाकुर दबंग मेरी जमीन कब्जा करना चाहता है, तो वहीं बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में तैनात जवान ने अपने बेटे पर ही चोरी का आरोप लगाते हुए गुहार लगाई कि मेरा बेटा मेरी हत्या कर मेरी सरकारी नौकरी पाना चाहता है। हालांकि सभी की शिकायतें सुनने के बाद सीएम योगी ने अधिकारियों को कड़े शब्दों में फटकार भी लगाई, साथ ही कहा कि अगर थानों और अन्य अधिकारियों के यहाँ समस्याओं का निस्तारण हो रहा होता तो यहाँ इतनी भीड़ क्यों आती। तो वहीं मुख्यमंत्री योगी ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि हर किसी के साथ न्याय होना चाहिए। इसके अलावा बहुत से लोगों ने सीएम से इलाज के लिए भी मदद की गुहार लगाई। मुख्यमंत्री ने कहा कि आप सभी लोग इलाज का एस्टीमेट बनाकर भेजें, पैसे की कमी से किसी का भी इलाज नहीं रुकेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।